नमस्कार श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि सेनापति के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। विगत वीडियो में हमने इनकी राम वंदना और ऋतु वर्णन से एक पद लिया था, तो आज हम इनके अगले जो ऋतु वर्णन शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पद है उनको लेकर के फिर उपस्थित हैं। तो कवि सेनापति के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या में आज हम ऋतु वर्णन पद को देखेंगे। ऋतु वर्णन शीर्षक से देखिए ये पद कि जेठ नाजी काने सुधारत कस खाने तल ताकत है खाने के सुधारी जारियत है होती है मरम्मत विविध जल जंत्र ने की ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है कि सेनापति अंतर गुलाब अर गजा साजी सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी सार तार हार मोली ले ले धारियत है ग्रीष्म के वासरे बराई वे को सिरे सब राजभोग काज साज यूं संभारियत है राजभोज काज साज यूं संभारियत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है कवि सेनापति जी ने ज्येष्ठ के महीने में होने वाले जो ग्रीष्म गर्मी है तपन है उससे बचने के जो उपाय है उनकी तैयारी है उनका वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से उद्धृत है और इसमें प्यारे विद्यार्थियों सेनापति जी ने ग्रीष्म ऋतु के आने पर या उस ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले उस ग्रीष्म ऋतु के तपन से बचने के उपायों का वर्णन है वो किया गया है या ग्रीष्म ऋतु से बचने की तैयारियों का वर्णन किया गया है। तो देखिए थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। जेठ का मतलब ज्येष्ठ महीने की ज्येष्ठ माह की यानी ग्रीष्म ऋतु की ग्रीष्म ऋतु के नजदीकाने माने नजदीक आने ठीक है सुधारत माने सुधारते हैं खस खाने मैंने खस की जो टट्टियां है टाट है खस की टाट यानी जो पर्दे होते हैं घास फूस के घास के जो खस घास है उससे बनी हुई और तल ताह ताक तह खाने का मतलब होता है मकान के अंदर जो तह खाने हैं या फिर तल घर के सुधारी झारियत झारियत मैंने झाड़ उसको हम कह सकते हैं कि साफ सफाई करते हैं सुधारी मैंने सुधारते हैं या फिर रहने के उपयोगी बनाते हैं ठीक है उपयोगी बनाते हैं और होती मरम्मत है होती मन होती है मरम्मत मन मरम्मत विविध मन अनेक जल यंत्रों की उस समय के जो जल यंत्र थे अब उस समय शायद ये कूलर फ्रिज तो होंगे नहीं ऐसी इत्यादि तो होंगे नहीं सेनापति जी के समय। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि उस समय जो फवारे इत्यादि है या कोई पानी से ऊपर पहले के ज़माने में भी कई राजा महाराजों के महलों में देखा करते हैं कि इस प्रकार की डिजाइन्स होती है खिड़कियों के ऊपर और उन खिड़कियों के ऊपर से जो है पानी है वो ऊपर से आता है और इनके ऊपर है वो जैसे आज के समय के जो कूलर है उस तरह से इसमें भी पानी है वो जाता था तो उससे जो हवा आती थी वो शीतल होती थी ठंडी होती थी। तो इस प्रकार से जल यंत्रों की मरम्मत वो करते थे ग्रीष्म ऋतु में ऊँचे ऊँचे अट्टालिका ऊपर वाले जो मकान हैं बड़े ऊपर के कक्ष ते सुधा सुधारियत सुधा मैंने चुनने से सुधारियत मैंने पोतते हैं यानी चुनने से पुताई की जाती है ठीक है। सेनापति अतर अतर मैंने इत्र अंतर भी बोलते हैं इसको अंतर या इत्र अंग्रेजी में सेंट गुलाब अर्गजा अर्गजा का मतलब चंदन इत्यादि सुगंधित जो जरवे होते हैं
सुगंधित द्रव्य जो कि ग्रीष्म ऋतु में शीतलता का कार्य करते हैं। साजी मने साज सज्जा करते हैं, सजाते हैं, साज सज्जा करते हैं। सार तार, सार तार का मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ लोग या यूं कह सकते हैं जो धनवान सेठ इत्यादि जो धनवान लोग हैं वो क्या करते हैं, हार मोल ले ले धारियत है, अर्थात मोती के जो हार होते हैं, मोती के हार मोल ले के मतलब खरीद करके, ले ले धारियत अपने गले में धारण करते हैं, गले में धारण करते हैं, क्योंकि मोती की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, शीतल होती है। तो जो श्रेष्ठ या लोग हैं, धनवान लोग हैं, वे मोतियों के हार खरीद करके गले में धारण करते हैं ताकि उनको ग्रीष्म ऋतु से बचाव हो सके। और ग्रीष्म के बाद सर्वासर मने दिन, बराई वे का मतलब होता है बिताना, व्यतीत करना, बिताने को, बिताने के लिए, सीरे मने शीतल, शीतलता प्राप्त करने के लिए, राजभोग मने राजसी सुख भे सा राजसी सुख भोग, राजसी सुख भोग, काज मने कार्य या जीवन व्यतीत करने, तो साज यूँ संहारियत मने संभालते हैं, संभालते हैं, यानी साज सज्जा को यूँ मने इस प्रकार से, इस तरह से ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए लोग इस तरह से साज सज्जा है वो सुधारते हैं या जो है संभालते हैं। अब देखिए इसका अर्थ, प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया जा रहा है कि सेनापति कवि कहते हैं कि ज्येष्ठ का महीने लगते ही या नज़दीक आते ही ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ के महीने में गर्मी बहुत पड़ने लग जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु के नज़दीक आते ही सब लोग हैं वो गर्मी से, ग्रीष्म ऋतु के तपन भरे दिनों से बचाव करने के लिए खस की जो टाट है इत्यादि, वो जो पर्दे, घास के जो पर्दे होते हैं, बोरी इत्यादि होते हैं खस की, उनको सुधारने लग जाते हैं। साथ ही साथ तल ताख तय खाने, जो मकान के अंदर वाले जो कमरे हैं, कक्ष हैं, जो उनको तल घर या तय खाने बोलते हैं, उनको भी सब लोग क्या करते हैं, सुधारी झारियत यानी उनकी साफ़ सफाई करके, उनको झाड़ झंकाड़ करके साफ़ सफाई करके उनको भी रहने योग्य बना लेते हैं या उपयोगी बना लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको समझ में आ गया होगा ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए जो है, जैसे ही ज्येष्ठ का महीना नज़दीक आता है, ग्रीष्म ऋतु नज़दीक आती है, वैसे ही सब लोग खस की टाट या पर्दे है वो घरों में लगा लेते हैं, उनको सुधारते हैं। साथ ही साथ जो तल ताक तय खाने हैं, बड़े बड़े जो तल तय खाने हैं, तल घर है, कमरे के अंदर के जो कक्ष हैं, नीचे जो भूमिगत है होते हैं ज़मीन में, तो उन तल घरों को साफ सफाई करके और उनको रहने योग्य बनाते हैं ताकि वहाँ तक गर्मी का प्रकोप कुछ कम हो और वो शीतल भी रहते हैं। होती है मरम्मत विविध जल यंत्र, क्योंकि उस समय जो लोग है, अब एसी कूलर का तो समय था नहीं, तो उस समय जो लोग है वो घर बनाते समय एक दो तल घर नीचे ज़मीन में बनाते थे ताकि उसे गर्मी की ऋतु में वहाँ उस जो है गर्मी का प्रकोप उसमें कम हो और शीतलता का जो है उनको अनुभव हो। तो होती है मरम्मत विविध जल यंत्र ने कि ऊंचे ऊंचे हटाते सुधा सुधारियत है। और ग्रीष्म ऋतु पर, ग्रीष्म ऋतु के आने पर, आने से पूर्व जो है विभिन्न प्रकार के जो अनेक प्रकार के जल यंत्र है उनकी क्या करते हैं लोग, जो जल यंत्र है उनकी जो ग्रीष्म ऋतु में सब लोग क्या करने लग जाते हैं, उनको सुधारने लग जाते हैं। तो उन फंवारों को या घर में बनी जो खिड़कियों के आसपास जो पानी से कुछ शीतलता प्रदान करने वाली कुछ ऐसे उस समय की जो तकनीक थी, तो उस यंत्रों को, उन यंत्रों को मरम्मत, विविध प्रकार के जो जल यंत्र हैं उनको क्या करने लग जाते थे लोग, मरम्मत करके उनको ग्रीष्म ऋतु में उपयोग में लेने योग्य बना लेते थे। आगे देखिए, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है, और ऊंचे ऊंचे जो अट्टालिकाएँ हैं उनको चूने से सुधा सुधारियत, मैंने चूने से पोत करके उनको जो है सुधार देते हैं, अर्थात पोतते हैं। तो चूने से पुताई होने पर वह शीतलता जो है, सूर्य की जो किरणें हैं उसको वो
क्या करते हैं, एक तरह से प्रतिबिंब उसका जो है वो बाहर की तरफ कर देते हैं, अंदर की तरफ वो किरणें नहीं आती, तो चूना वैसे भी शीतल होता है। तो इस प्रकार से लोग जो ऊंची ऊंची अट्टालिका हैं उसमें चूने से उनको पोत करके उनको शीतलता से युक्त कर देते हैं और रहने योग्य बना लेते हैं। सेनापति अतर गुलाब अर गजा साजी, अर्थात सेनापति कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में लोग तपन भरे दिनों से बचाव करने के लिए इत्र गुलाब और चंदन इत्यादि जो सुगंधित द्रव्य हैं उनकी साज सज्जा करते हैं, अर्थात तो उनको सजाते हैं कक्ष में, ताकि उस उन उन ये जो पदार्थ है ये भी शीतलता देने वाले हैं। गुलाब भी शीतल होता है, ठंडा होता है, इत्र भी ठंडे होते हैं, ये खस इत्यादि के इत्र होते हैं तो बहुत ही ठंडे होते हैं। अर्गजा चंदन इत्यादि जो सुगंधित द्रव्य हैं उनको कमरे में छिड़का जाता है तो उससे कमरा है वो, कक्ष है वो शीतल हो जाते हैं। तो सेनापति कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए लोग इत्र गुलाब चंदन इत्यादि सुगंध द्रव्यों की साज सज्जा करते हैं। और सार तार हार मोली ले हार मोली ले ले धारियत, अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं वो मोतियों के हार है वो खरीद करके गले में धारण करते हैं, जिससे उनको शीतलता प्राप्त होती है। ग्रीष्म के बाद सरे बराइये को सिरे सब, और इस प्रकार से सेनापति कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के इस तपन भरे दिनों के उस गर्मी के दिनों को व्यतीत करने के लिए सब लोग है वो शीतलता का उपाय करते हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, राज भोग काज साज यो समारियत है, और सब लोग राजसी सुख भोग के कार्य या जीवन को व्यतीत करने के लिए सभी प्रकार के साज सज्जा को इस प्रकार से संभालते हैं। यानी राजसी सुख भोग वैभव विलास जो है व्यतीत, ग्रीष्म ऋतु में राजसी सुख भोग विलास से युक्त जीवन को जीने के लिए सभी प्रकार के साज सज्जा को इसी प्रकार से संभालते हैं, और ग्रीष्म ऋतु से बचाव के उपाय तरह तरह के उपाय वो करते हैं। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि ग्रीष्म काल की विकरालता की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अनुप्रास काव्यलिंग और विप्सा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विप्सा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, और कारण सहित बात बताइए तो काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, तो ये अलंकार है। साथ ही साथ ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। छंद की बात करें तो कवित छंद है। ठीक है, कवित छंद की नाद सौंदर्य उचित है, और ग्रीष्म ऋतु की विकरालता भयानकता का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ ऋतु वर्णन का सुंदर वर्णन है वो सेनापति जी ने किया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सेनापति जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, अर्थ ग्रहण करें और समझे, नोट्स बनाए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।